हाय फ्रेंड्स, मैं रंजन कुशवाहा, आप देख रहे हैं रंजन टेक चैनल। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप यूट्यूबर हैं और आप सोचते हैं कि आप अपने वीडियो के ऊपर बहुत ही अच्छा थंबनेल बनाकर कैसे लगाएंगे, सबसे पहली बात तो आती है दोस्तों कि आप उस थंबनेल को बनाएंगे कैसे, कैसे उसका क्या साइज होगा, कैसे बनाएंगे, कहाँ पे बनाएंगे, अगर मोबाइल से बनाएंगे तो किस एप्लीकेशन के माध्यम से बनाएंगे, ये सारे चीज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। ऐसे उस थंबनेल को बोलने के लिए लोग कुछ भी बोलते हैं, यूट्यूब का पोस्टर बोलते हैं, यूट्यूब का बैनर बोलते हैं, ऐसे कुछ भी बोलते हैं, यूट्यूब का फोटो बोलते हैं, यूट्यूब के वीडियो के ऊपर जो लगती है, ठीक है दोस्त, ऐसे उसको हम लोग थंबनेल बोलते हैं, यूट्यूब थंबनेल बोलता है, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर हम आपको सिखाएंगे थंबनेल कैसे बनाया जाता है, वो भी अच्छा से अच्छा थंबनेल कैसे बनाएं अपने वीडियो के लिए। और दोस्त आप इस वीडियो को अंत तक तो देखते ही रहिए और साथ में आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्त आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि हमेशा आपको कुछ ना कुछ तो नया आता ही रहता है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलता है। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं बिना समय का। तो दोस्त आप देख सकते हैं मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने वीडियो के लिए एक अच्छा सा पोस्टर बैनर थंबनेल कैसे बना पाएंगे। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन होना चाहिए, जिस एप्लीकेशन का नाम है पिकसार्ट। अगर आपके मोबाइल में पहले से एप्लीकेशन है तो अच्छा है, नहीं अगर है आपके मोबाइल में एप्लीकेशन तो दोस्त आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर आप जाकर सर्च कर सकते हैं पिकसार्ट, ठीक है दोस्त। ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा जहाँ से डायरेक्ट आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का लोगो देख लीजिए कुछ इस तरह से है। चलिए दोस्त हम यहाँ पे पिकसार्ट को ओपन कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पिकसार्ट को ओपन कर लिया है। यहाँ पर पिकसार्ट ओपन करने के बाद दोस्त आप यहाँ पर ड्रॉ पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका अपडेटेड वर्जन है पिकसार्ट तो दोस्त यहाँ पर कुछ डिफरेंट ऑप्शन आएगा, हो सकता है कुछ आपका इस तरह से ऑप्शन है। तो यहाँ पर अगर इस तरह से भी ऑप्शन आता है तो दोस्त आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएट नाउ का एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप क्रिएट नाउ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैंने क्रिएट नाउ पर क्लिक कर दिया है। यहाँ पर दोस्त आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आ गया है। चलिए यहाँ पर मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया है वहाँ पर, और यहाँ पर एडिट इमेज पर मैंने क्लिक कर दिया। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप दोस्त यहाँ पर आ जाएंगे एडेंस पे, सॉरी एडेंस पर नहीं, यहाँ पर टूल्स पर आना था। और यहाँ पे क्रॉप का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको साइज मिल जाता है, एक यूट्यूब का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है दोस्त। यहाँ पर आप इस पर आपको क्लिक करना होता है और यहाँ पे आपको सेव कर देना होता है, ठीक है दोस्त। आप यहाँ से भी इस तरह से भी इस साइज आपको मिल जाता है यूट्यूब का। चलिए मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ, मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। अगर आपके मोबाइल में कुछ इस तरह से है तो दोस्त आप यहाँ पर ड्रॉ पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है दोस्त। यहाँ पर ड्रॉ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्रिएट नाउ का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर 1280x720 का इसका साइज होना चाहिए, ठीक है दोस्त। यहाँ पर साइज यहाँ पे ए होना चाहिए। चलिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे एडिट इमेज पे आ गया, मैं फिर से यहाँ पे आ गया हूँ। और यहाँ पे अगर आपको लगता है कि ये साइज आपका 1280x720 नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं दोस्त, आप यहाँ पर टूल्स पे क्लिक कीजिएगा। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, क्रॉप पे क्लिक कीजिएगा और लास्ट में आप आइएगा, एक यूट्यूब का एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर यूट्यूब पर आप क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सही के निशान पर क्लिक करना होता है। उसके बाद दोस्त आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर बैनर बनाने का एक अच्छा सा यहाँ पर टूल्स मिल जाता है। इसके माध्यम से आप दोस्त इस इमेज को, इस वाइट इमेज को आप यहाँ पर एडिट करके आप अपना एक अच्छा सा बैनर बना सकते हैं, थंबनेल बना सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्त हम ये क्या करेंगे कि यहाँ पर टेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैंने एल दबाया है, ठीक है दोस्त। एल मैंने प्रेस कर दिया है और कुछ मैंने इस तरह से यहाँ ब्राउन कलर के लिए मैंने यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर दिया, ठीक है दोस्त। मैं यहाँ पर इसे रेड कलर बैकग्राउंड कलर दूंगा, रेड दे देता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर अगर चाहूँ तो इसका ओपेसिटी भी मैं बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ। अगर आप मैं यहाँ पे कलर देना चाहूँ तो आप यहाँ पर कलर भी दे सकते हैं। यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे टॉप में प्लस का आइकन आता है, प्लस का आइकन में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन आता है। यहाँ पर टेक्स्ट पे आप यहाँ पे आपको जो भी डालना हो दोस्तों आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में जो जैसे भी आपको हो वैसे टाइप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर टाइप पहले से ही कर रखा है, मैंने कॉपी कर रखा है, तो मैं दोस्तों यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर मैं बनाता हूँ थंबनेल की यूट्यूब पोस्टर बैनर मोबाइल से कैसे बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने यहाँ पर इतना सा रखूँगा यूट्यूब पोस्टर बैनर यहाँ पर कर देता हूँ, और मैंने यहाँ पर इसे थोड़ा बड़ा कर दिया और यहाँ पर मैंने इसको एडजस्ट कर दिया, ठीक है दोस्त। देखिए आप मैं किस तरह से एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। ऐसे ही आप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इसका स्टॉक कलर देना चाहें तो दे सकते हैं, यहाँ पर नहीं देना चाहें तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से आप अपना क्रिएटिविटी यूज करके आप अपना अच्छा सा एक थंबनेल बना सकते हैं अपने यूट्यूब वीडियो के लिए। मैंने कुछ इसका कलर इस तरह से मैंने डालने दिया। अगर आप चाहते हैं कि इसका कलर कुछ डिफरेंट हो, आप अगर चाहते हैं कि इसका कलर कुछ इस तरह से हो, यहाँ पर आता है ऑप्शन,
इस तरह से हो तो दोस्त आप इसका कलर इस तरह से भी बना सकते हैं, इधर से इधर कर सकते हैं, देख लीजिए कैसा इसका कलर चेंज हो रहा है। ठीक है दोस्त, मैंने इसका कलर मेरे को सिंपल सा वाइट रखना है तो मैंने वाइट रख दिया। या अगर मैं चाहूँ दूसरा कलर करने के लिए तो आप यहाँ पे मैं दूसरा कलर भी रख सकता हूँ। चलिए मैंने वाइट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक इमेज ले लेता हूँ। ठीक है दोस्त, मैं यहाँ पे मेरे मोबाइल में फोटो का मोबाइल का एक इमेज है। तो चलिए दोस्त, मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ मैं बता देता हूँ कि थंबनेल में इमेज कैसे लगाते हैं। तो चलिए मैं अपने मोबाइल के फाइल के अंदर आ गया मैं, और यहाँ पे मैं एक इमेज लूँगा जो इमेज है मोबाइल का है, और मैं यहाँ पे मोबाइल का एक इमेज लगाना चाहता हूँ और उस पर सेट करना चाहता हूँ कि थंबनेल कैसे बनाते हैं। चलिए मैंने इस मोबाइल के इमेज को यहाँ पर ऐड कर दिया, इसको क्रॉप कर देता हूँ। आप भी इस तरह से कहीं से भी इमेज डाउनलोड करके यूट्यूब से यूट्यूब के लिए थंबनेल बना सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और क्रॉप कर देता हूँ मैं इसको। आप कॉमन क्रिएटिव वाला इमेज डाउनलोड करके, ऐसे कोई भी इमेज नहीं डाउनलोड कर सकते हैं भाई, नहीं तो उस पर कॉपीराइट आ सकता है। तो मैं यहाँ पर इस इमेज को यहाँ पर सेट कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे एक और इमेज लेता हूँ, मैंने एक पहले से स्क्रीनशॉट लेकर रखा है। चलिए मैं यहाँ पे इस स्क्रीनशॉट को यहाँ पर फिट कर देता हूँ। ठीक है दोस्त, यहाँ पर लगेगा कि हाँ मोबाइल पे ही, मोबाइल का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये अच्छा लग रहा है। ठीक है दोस्त, आप इस तरह से सेट कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं इसको। अब चलिए मैं यहाँ पर इसको सेट कर देता हूँ, और फिर से मैं यहाँ पर बाकी का जो टेक्स्ट है मैं यहाँ पर डालना चाहूँगा। इसके लिए मैं फिर से यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पर कोई बैकग्राउंड कलर हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बैकग्राउंड कलर रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है दोस्त, मैं यहाँ पर कलर रखना चाहता हूँ। मैं आपको यहाँ पर सारे तरीके से मैं सिखा देता हूँ कि आप कैसे कैसे यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए मैं यहाँ पर कुछ दूसरा कलर यहाँ पर कलर रखता हूँ। यहाँ पर दूसरा कलर करने के बाद मैं यहाँ पर फिर से यहाँ पर जो मेरा टेक्स्ट है, यहाँ पर टेक्स्ट के ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मैं मेरा कॉपी है पहले से ही, तो मैं यहाँ पर इसे पेस्ट करके यहाँ पे एडिट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्त, चलिए मैंने यहाँ पे इतना सा पेस्ट कर दिया है, और मैं यहाँ पर अगर क्वेश्चन मार्क लगाना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया, और यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा साइज़ को एडजस्ट कर दिया, मतलब अपने हिसाब से फिट कर दिया यहाँ पर। उसके बाद आप इसका स्टॉक कलर देना चाहें तो दे सकते हैं, चलिए अच्छा लगेगा, या आप दूसरा यहाँ पर कलर देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, और इसका आप इस तरह से इसका शेडो भी दे सकते हैं, और यहाँ पे कलर मैं चाहूँ कोई और देने के लिए तो यहाँ पर दे सकता हूँ। ठीक है दोस्त, अच्छा लग रहा है ये कलर, तो मैं यहाँ पे इस तरह से बना देता हूँ। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर और कुछ भी आ जाए, तो फिर से मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे टेक्स्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैं देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इस बार बैकग्राउंड कलर नहीं दूँ, चलिए मैं यहाँ पर फिर से मैंने टेक्स्ट पे कलर क्लिक किया, और यहाँ पे जो बाकी का मेरा जो है कंटेंट मैंने यहाँ पर पेस्ट करके यहाँ पर मैंने सेट कर दिया यहाँ पर। चलिए मैं यहाँ पर इसको रख देता हूँ, और यहाँ पर कुछ इस तरह से रख के इसको कलर कर देता हूँ। तो इसका मैं कलर देना चाहता हूँ कि कौन सा कलर दे दूँ, यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कौन सा कलर सेट करते हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ पे ओपेसिटी हो जाता है, यहाँ पे शेडो हो जाता है, यहाँ पे मैं शेडो भी सेट कर दिया यहाँ पर। आप इसका फॉन्ट चाहे तो फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि दोस्त आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका फॉन्ट कुछ इस तरह से चेंज हो रहा है, तो आप अपने हिसाब से इसका फॉन्ट भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। चलिए मैं यही फॉन्ट रहने देता हूँ। तो दोस्त आप देख सकते हैं यहाँ पर यूट्यूब पोस्टर बैनर मोबाइल से कैसे बनाए यूट्यूब वीडियो थंबनेल। ठीक है दोस्त, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इसके नीचे भी कुछ डाल दूँ। मेरा जो मैंने टाइप किया था वो ख़त्म हो चुका है, मैंने सारे कंटेंट को मैंने यहाँ पर डाल दिया है जो मेरा। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ब्लैक कलर देकर यहाँ पर कुछ लिख दूँ। ठीक है दोस्त, चलिए मैंने ब्लैक कलर दे दिया। अब यहाँ पर मैं फिर से टेक्स्ट लेता हूँ, यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ हाउ टू मेक कर देता हूँ, या आप क्रिएट भी कर सकते हैं हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल। ठीक है दोस्त, यहाँ पर मैंने यूट्यूब थंबनेल मैंने कर दिया, और यहाँ पे मैंने इसको सेट कर देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। सॉरी ये नीचे चला गया, तो नीचे चलेगा कोई बात नहीं, इधर मैं इसको रखता हूँ, और फिर से मैं इसको यहाँ पर फिर से सेट करता हूँ। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर इसको उठाऊँगा और यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा, सेट कर दूंगा। तो दोस्त आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको सेट कर दिया। अब चाहे तो आप इसको ओपेसिटी दे सकते हैं, शेडो दे सकते हैं, नहीं चाहे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको शेडो देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं, आप इसका कलर किस तरह से रखना चाहते हैं। ठीक है दोस्त, मैंने यहाँ पर कर दिया हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल। तो दोस्त आप देख सकते हैं कि ये अच्छा एक थंबनेल लग रहा है, एक अच्छा यूट्यूब का पोस्टर लग रहा है, और आप चाहें तो आप अपना क्रिएटिविटी यूज करके इससे भी बेहतर आप इस तरह से आप अपने YouTube वीडियो के लिए थंबनेल बना सकते हैं।
और अपने YouTube वीडियो पर अच्छा अच्छा थंबनेल बनाकर लगा सकते हैं। तो दोस्त चलिए मैं यहाँ पे से इसको क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैंने डन कर दिया। उसके बाद यहाँ पर सेव का यहाँ पर जो तीर का आइकन दिया है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर गैलरी का ऑप्शन आ जाता है, अपने को अभी इसे सेव करना है। तो चलिए मैं आपके मोबाइल में हो सकता है कुछ डिफरेंट ऑप्शन आए, तो दोस्त आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेव आप कहीं भी सेव होगा उस पर सेव पे आपको क्लिक करके गैलरी के अंदर अपने को सेव कर लेना है। ठीक है दोस्त, मैंने यहाँ पे इसे गैलरी के अंदर सेव कर लिया है। चलिए आप अपने गैलरी के अंदर हम देख लेते हैं कि ये मेरा जो पोस्टर बना हुआ है किस तरह से दिख रहा है। मैं अपने गैलरी के अंदर आ चुका हूँ और मेरा ये रहा पिक्सआर्ट वाला गैलरी और यहाँ पर ये आ गया। तो दोस्त आप देख सकते हैं YouTube पोस्टर मोबाइल से कैसे बनाए, बहुत ही अच्छा लग रहा है और आप इसे अपने मोबाइल में सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत सारा थंबनेल बना रखा है। तो दोस्त आप भी इस तरह से अपने मोबाइल के अंदर ही मोबाइल से ही पिक्सआर्ट को यूज़ करते हुए एक अच्छा सा अपने मोबाइल यूट्यूब वीडियो के लिए थंबनेल बना सकते हैं। तो चलिए दोस्त मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्त आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है कि दोस्त आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।